परमतत्व का अर्थ क्या है, वो किस तरह से सृजन करता है, वो चीज क्या है, इसके बारे में अनेक ग्रंथ, भाषण आदि बहुत कुछ व्याख्यान संसार में हुए, बहुत कुछ कहा गया है। परम शब्द परमात्मा का द्योतक है, ये परमेश्वरी शक्ति है जो हर अणुरेणु में वास करके परमेश्वर का कार्य संचालित है, चलाती है। अब ऐसे आंखों से कहने से, बातचीत करने से इस जमाने में कोई विश्वास नहीं करता, कोई इसको मान नहीं सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी लंदन में हाल ही में मैंने एक चित्र देखा था जिसमें उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स दिखाए थे। उसमें दिखाया कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, उसके अणुओं के बीच में जो बंध हैं, बॉन्ड्स हैं, उनमें कोई तरंग से आ रहे हैं, जिससे ये लोग भी, साइंटिस्ट भी वाइब्रेशन की जाए। आंखों जैसी बात है, आंखों से आप भी देख सकते हैं अणु और रेणु की स्थिति, जो साइंटिस्ट बता सकते हैं कि अणु क्या है और रेणु क्या है, वो किस तरह से है, वो किस तरह से स्थित है, जड़ तत्व का पता साइंटिस्ट लगा सकते हैं। लेकिन उसमें आंदोलित होने वाला चैतन्य, जिसे वो वाइब्रेशन कहते हैं, उसके बारे में वो बहुत ही अनजान है और उसके बारे में वो कुछ नहीं बता सकते। हर एक जगह वो तत्व आंदोलित हो रहा, वो जड़ में है, वनस्पति में है, पशुओं में है और आत्मा में, अपनी अपनी जगह वो आंदोलित है और संपूर्ण में चेतित भी है। माने ये कि जो परम तत्व आपके अंदर चेतना पा रहा है, वही इस बैठक में भी अंतर इतना ही है कि उस चेतन तत्व को जानने वाला इसलिए अभी जागृत नहीं हुआ है, लेकिन मानव में ही ये जागृति आई हुई है कि उस चेतन तत्व को जान। यही चेतन तत्व, परम तत्व, सारे संसार का संचालन, वो कुछ ही है, संसार का जो भी कुछ है वो इसी का बनाया है। आप अगर कहें कि ये पंखा है, ये किससे बना, ये भी इसी चेतन तत्व की ही चालना से ही मूर्त स्वरूप में आज पंखे के रूप में आया है। साइंस भी उसी चेतन तत्व की चालना से, उसी की प्रेरणा से ही हमारे बुद्धि में समाया हुआ दृष्टिगत होता। जो वाणी आज हमारे मुख से निकल रही है, वो भी उसी चेतन तत्व के प्रभुत्व में चलती है। सब कुछ उसी चेतन तत्व से चल रहा है। आप इसी से समझ लें कि हमारे अंदर जो जीवन है वो उसी चेतन तत्व का अभिर्भाव है। जिस दिन ये हृदय बंद हो जाएगा, उस दिन आप देखिएगा कि यही वाणी रुक जाएगी, आंखें रुक जाएंगी, विचार आना रुक जाएगा, कहना सुनना बंद हो जाएगा, ये शरीर एक व्यर्थ का बुझे हुए दीप जैसा खत्म हो जाएगा। फिर चेतन तत्व को जानने की क्या जरूरत है, ये जरूर जान लेना चाहिए। इस युग में मानव ये सोचता है ये सब जानने की क्या जरूरत है, भगवान भगवान करने की जरूरत क्या,
इसका हमें क्या फायदा, इसके पीछे में क्यों भागे, क्यों समय बर्बाद करें, अपनी जिंदगी को क्यों ना आनंद में रखें। लेकिन एक बड़ा भारी सत्य है जो हमसे छिपा है माया के रूप में, कि आनंद सिर्फ चेतन ही स्वरूप अपना है। इसीलिए संसार में आप किसी से भी पूछे, कोई गई हो गई हो, क्या भाई तुम सुखी हो, क्या नहीं दे, तुम्हें आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा। आखिर जिस देश में, अपने देश से छोटी लेकिन और देशों में जहाँ पर इतनी अधिभौतिक प्रगति हो गई है, जहाँ लोग इतने ऊंचे सिरे पर पहुंच गए हैं कि उनके पास सभी कुछ मिल रहा है, वो लोग महान दुखी क्यों है, सोचने की बात। बहुत से लोगों में ये विचार ही नहीं उत्पन्न होता है कि हमें आनंद क्यों नहीं, हम किसी भी चीज की ओर दौड़ते हैं। सारे इस्लामिक का ही आधार स्तंभ एक ही वाक्य है कि नो इकोनॉमिक वॉन्ट इन सैक्टर। किसी भी इसकी आप जरूरत रखें, आज आपको चूड़ियों की जरूरत है, चूड़ियां मिल गई, चूड़ियों के बाद आपको जब मिल गई तो उसका कोई अर्थ नहीं रहा, फिर आपको सारी चीज, साड़ी मिलने के बाद में आपको कुछ और चीज चाहिए, उसके बाद में कुछ और चीज। इन जनरल नो इकोनॉमिक वॉन्ट इज सैक्टर। इसका मतलब यह है कि मन उस चीज को हर एक चीज में खोज रहा है, लेकिन किसी भी चीज में वो तृप्त नहीं। तृप्ति कहीं भी होती, प्यास कहीं भी दिखती है, प्यास बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। प्यास उनका प्यास आदमी मर जाता है, फिर जम लेता है, फिर प्यासे जैसा दौड़ता है, घर में भी वो दौड़ते ही रहता है, खोजते ही रहता है, लेकिन आनंद नहीं पाता। कारण इसका एक ही है कि जिस चीज से आनंद का उपभोग होता है वही चीज हमारे अंदर अभी जागृत है। एक घर दीप है और अगर वो चाहे कि मेरे से प्रकाश, मेरे अंदर प्रकाश और बाहर प्रकाश, तो उसके अंदर दीप ही जलाना पड़ेगा, दूसरा कोई भी मार्ग उसका। वो प्रकाश से भाग कर अगर प्रकाश जलाना चाहे तो कैसे प्रकाश आए, परम तत्व से मुंह मोड़ करके आप कभी भी इस संसार में आनंद नहीं पाए। अब ये कोई मैं नई बात नहीं बता रही, ऐसी बातें हजारों वर्षों से ऋषियों मुनियों ने इस भारतवर्ष में, इस योग भूमि में और भोग भूमियों में भी बहुतों ने कह दी और कहा और कह के मर भी गए और फिर से जिंदा हुए, फिर कहा फिर मर गए, दुनिया भर की चीज हो गई, पर किसी ने इसको पाया। अंतर इतना ही है कि मैं आपको थोड़ा इस आनंद का दर्शन मात्र दे। इस आनंद को पाने के लिए आपको थोड़े से अपने दर्शन होने, जो आपके अंदर आनंद दे रहा है वो आप अपने स्वयं हैं और उसके दर्शन देने की पात्रता आपने स्वयं भी स्थित। सिर्फ मैं इतना ही करती हूँ कि जरा आपका शीशा पोछ देती हूँ। इसकी भी बहुत लोग ऐसी चर्चा करते हैं कि बड़े बड़े युगों के और कल्पांतरों के बाद में ही ऐसी दशा में मनुष्य आता है कि वो चीज को पाता है, होगा। और ऐसा भी कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव हो जाता है, आजकल कलयुग में तो मनुष्य अत्यंत भ्रूणित हो गया है और वो किस तरह से पा सकता है। अब इसको जवाब ऐसा ही देना चाहिए कि इसी कलयुग में अगर हम चंद्रमा पर जा सकते हैं तो हो सकता है कि अपने अंतरतम में भी चले, कोई ऐसी करुणा ही स्वयं उतर आए कि आप लोग इस दशा में आ जाए, क्यों नहीं हो सकता। आखिर इतने दिनों से जो आप घंटियां बजा रहे थे और आरतियां उतार रहे थे और आवाहन के आवाहन हो रहे थे, हजारों देवताओं के जो पूजन हुए थे और जो मस्जिदों में बुलंद आवाज से परमेश्वर को पुकारा जा रहा था, वो क्या कोई सुनने वाला कोई बहरा था जो कभी सुन नहीं सकता? या तो एकदम वो बहरा ही था या आप एकदम ही मूर्ख थे।
और अगर सुनवाई हो गई हो और अगर समझ लीजिए कोई इंतजाम हो गए हो तो उसमें इतनी शंका करने की क्या जरूरत है। आपकी गठरी से मैं कुछ लेती नहीं हूँ, आपसे मैं कुछ मांगती नहीं हूँ, आप ही मैं आपको जगा रही हूँ, आप ही की शक्तियाँ आप में दे रही हूँ। लेकिन मनुष्य बड़ा विचित्र, वो आपकी सारी पावर्स और शक्तियाँ खींच ले और अपने वश में करके आपको नचाए, ऐसा आदमी आपको पसंद आता है। जो जन्म जन्मांतर तक आपको लूटता रहे, आपके पैसे, आपकी इज्जत आबरू, उसके पीछे भागना आपको पसंद आता है। बड़ा अजीब मनुष्य का मन है। हजारों आदमी ऐसे आदमी के पीछे भागते हैं जो पूरी तरह से आप पर छाकर और आपको एकदम ही गिरा देता है और छोटा सा नगण्य बना करके और जन्म जन्मांतर के लिए आपको शापित कर देता है। ऐसे आदमी की तरफ दौड़ बड़ी जल्दी होती है और जो आपकी की स्थापना करने के लिए और आपके ही पूजन के लिए बैठा है उधर आंख नहीं उठती इंसान। उधर विचार से नहीं, सोच से नहीं, इस पागल जैसे मैं जहां दौड़ा जा रहा था इतने दिन तक मैंने इसमें क्या पाया, इस चीज में मैंने कौन सी ऐसी शक्ति पाई है जो मेरी अपनी स्वयं। गुरु वही है जो आपके अंदर आपकी शक्ति का सृजन करे और आपको अपने से परिचित करे, वही गुरु है। और जो आपकी सारी पावर छीन ले और आपको बेवकूफ बनाता घुमाए, वो गुरु है कि जनता है, आपको खुद सोचना चाहिए। मानव के अंदर कुछ ऐसे विचित्र दोष मैं देखती हूँ कि बड़ा आश्चर्य है। हो सकता है कि हमारे लिए मानव का समझना मुश्किल जाता है, जैसे मानव को हमारी ओर देखना मुश्किल जाता है। दूसरा दोष बड़ा विचित्र सा मानव में है कि जब कोई जीवित रहता है तो उसकी दुर्दशा कर देते हैं और जब वो मर जाता है तब उसके चार चार लगा। सीता जी को उसके घर में से निकाल दिया तब कोई साधु संत मिला नहीं, जब वो मर गई तो उनके हजारों मंदिर बना के रख दिए। क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ा दिया, जब वो मर गए तो हजारों उनके मंदिर बना करके रखा दिए। समझ में नहीं आता, जिस वक्त वो जीवित थे तब आखिर शक्ति क्या खत्म हो गई, कोई जान ही कार नहीं रहा। अरे उनको जानने वाले कम से कम एक दो तो आदमी थे, उनकी भी बात नहीं सुनी, उन्होंने कमाल करके दिखाया वो भी नहीं देखा और उनको उठाकर क्रॉस पे डाल दिया। मोहम्मद साहब का हाल वही हुआ, ज्ञानेश्वर जी का हाल दूसरा हुआ। अब जब वो मर गए तो उनके 50 मंदिर इस बंबई शहर में बना डाले। मानव को समझना बड़ा कठिन, जब सत्य जीवित खड़ा हो जाता है तब मानव पीठ मोड़ लेता है और जब वो किसी आत्मा में मृत होकर खत्म हो जाता है तब मानव अपने माथे पे लगा के मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं ज्ञानेश्वर जी का संत हूं, मैं फलाने का ढिकाना और घूमता। मरी हुई चीजों से इतना प्रेम मानव को क्यों है मुझे कुछ समझ। जो विनाशी चीजें हैं उससे क्यों इतना प्रेम मनुष्य करता है। रियलाइजेशन के बाद ही मैं देखती हूँ कि थोड़ा दगा दग दगा दग मन चलते ही। मृत में किसी भी मृत वस्तु में जड़ वस्तु में अपना ध्यान देना ही स्वयं मृत हो जाना है। विराट का पूरा चित्र आपके सामने अगर हम खड़ा भी करें तो कोई फायदा होने वाला नहीं, ये हमें कभी कभी लगेगा। मनुष्य की खोज क्या सत्य की है या असत्य की है।
मनुष्य का प्रेम असत्य से क्यों है? हालांकि वैसे देखिए तो हमें असत्य कोई अच्छा नहीं, पर हम आपसे कोई बात झूठ बोले तो आपको थोड़ी हम अच्छे लगेंगे। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म कर मनुष्य अपने को अगर जाते तो ये देख सकता है कि उसने जड़ के और मृत के और ध्यान बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है। और फिर वो दुखी है, वो दुखी जी है, सारा संसार दुखी है। इन बेवकूफों को क्या किया जाए, जो बेकारों में दुखी है। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपका दिया सजाया, संवारा, सुंदर बनाया, उसमें सुंदर सा आप दीप भी जलाने के सारी व्यवस्था कर दी, बात लगा दी, बाती भी सजा दी, और दीप भी जला दिया तो भी आप दुखी है, अंधेरे में है। इस पर गौर करना हो, इस पर सोचना हो। संसार में बहुत बड़ा घनघोर संग्राम चल रहा है। जो संग्राम आपने काली के अवतार में सुना था उससे महाभयंकर संग्राम आज संसार में चल रहा है। इसमें जिसकी जीत होगी वही निर्धार करेगा कि सृष्टि का सृजन पूरा होगा या खत्म होगा। एक तरफ से पूरी तरह से राक्षस और उनकी सेनाएं तैयार बैठी हुई हैं, अभी तक तो मृतावस्था में ही वो हैं, और कुछ कुछ राक्षसों ने जन्म लिया हुआ है। क्या हमें उन लोगों का साथ देना है? या हमें सत्य युग को इस संसार में लाना? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी, आपके बकवास से दूर होगी क्या, वियतनाम का युद्ध कैसे बंद होगा, आपकी चिंता से बंद होगा क्या? नहीं होगा ना। ये तो इसलिए आप बातचीत कर रहे हैं कि आप असलियत से अपना मन हटा। जो युद्ध वियतनाम में है वो आपके अंदर भी हो रहा है, जो अमीरी गरीबी की बातचीत है वो आपके अंदर भी हो रही है। आप अगर अमीर होना चाहें तो अपने अंदर हो सकते हैं, और गरीब दरिद्र होना चाहें तो अपने अंदर हो सकते। जिस देश की आत्मा ही दरिद्री हो जाए वो देश अमीर कैसे हो सकता है? हमारी आत्मा में दरिद्रता, उस पर बादल छा गए हैं, अज्ञान के बादल, जिसको कि मैं नेगेटिविटी कहती हूँ, उसके बादल छाए इस सारे संसार पर। पर सबसे ज्यादा इस देश पर मैं देखती हूँ कि सारे भूत यहीं पर हैं, उनको और कोई जगह नहीं मिली, और तुम लोग अपने हृदय में उसको स्थान दिए बैठे हुए। मन की दरिद्रता दूर हुए बगैर सारा सुहावना समय भी बेकार जाता है। ऐसे ऐसे राक्षसों को आपने हृदय में स्थान दिया है देश में कि राक्षसों का नाश कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके सारे निशाचर आपके अंदर घुसे पड़े हुए हैं। उनका अगर नाश करें तो उनके निशाचर आपको फाड़ खा जाए। जिस दिन आप लोग उनको निकाल फेंकेंगे उसी दिन सबका ठिकाना हो जाएगा अपने आप। लेकिन पहली बात तय कर लें कि हमें परम तत्व को पूरी तरह से, पूरी सच्चाई के साथ जानना है। इससे बढ़ के संसार में कोई धन संपत्ति नहीं, परम धन वही है, सारे परम आनंद की उपलब्धि इसी में ही है। उसको पहले पा लीजिए। अपने मन को इधर से उधर करने की कोई जरूरत नहीं बेकार की बातें लेकर के कि देश की गरीबी कैसे दूर होगी। फिर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो आप सब चीज का ठेका लिए बैठे हैं,
गरीबी के साथ दूर हो भी जाएगी, लेकिन आप लोगों के भूख नहीं दूर होने वाला। जिनके देशों में गरीबी नहीं, वहां देखते हैं दूसरे तरह से भूत काम कर रहे हैं। लंदन में गए, ईसा मसीह ने बताया था कि भूतों के चक्कर में जाना मत। उन्होंने साफ साफ बता दिया बेचारों ने, 100 मरतबा कहा होगा तो सारे ईसाई देश इसी भूतों के चक्कर में घुसे। जो वहां के बूढ़े लोग हैं उनके अपने यही मीडियम चल रहे हैं, USP चल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हीलिंग चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिकाना चल रहा है। और जो जवान है उनके लिए यहाँ से गए हुए हैं उनको लूटने के लिए, सब भूतों के चक्कर में घूम रहे हैं। किसी ने परम तत्व को आज तक खोजा नहीं, न उधर दृष्टि की, ना उठाने वाले हैं। और अपने को ईसा मसीह का बड़ा भारी चेला कहते हैं। अमेरिका में यही हाल है, वहां तो विचक्राफ्ट तक चल रहा है, खुले आप जैसे अपने यहाँ भानामती होता है और ये निकालते हैं वो निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो वहां पे बाकायदा खुले आम रेगुलर सोसाइटीज है। अपने यहाँ उसका नाम धार्मिक और भगवान बन के लोग करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ डबल स्टैंडर्ड है ना, ढोंग बहुत। इसी देश में ऐसा ढोंग पना। हम लोगों को ढोंग को तो त्याग करना आता नहीं, साथ सत्य को क्या करें। ऐसा ढोंग इन लोगों ने रचा हुआ है, इन ढोंगियों के पीछे में आप लोग आंख मूंद करके भागे चले जा रहे। हो सकता है कि आप मोड़ लें अपने को पूरी तरह। आज संसार के रंगमंच से आप ही लोग बैठे हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आप बड़े चुने हुए लोग, बड़े ही चुने हुए लोग हैं जिसके आप पार हैं। कितने लोगों के हाथ से वाइब्रेशन आते हैं संसार में, जरा जाके देखे तो बड़े बड़े लोग मैंने देख लिए, बड़े स्वामी और साधु और फलाने और ढिकाने। ऐसे कौन बड़े भारी लगे हुए हैं दुनिया में, मैं देख ली जा करके कि जिनके अंदर से वाइब्रेशन आते। सब ढोंगी लोग हैं, भोंदू लोग हैं, और आप लोगों के हाथ से वाइब्रेशन आ रहे हैं जिसका वर्णन बड़े बड़े महात्माओं ने बड़ी ऊंची दशा में जब मनुष्य पहुंचता है तब मिलता है इस तरह से। लेकिन आप कर्तृत्व शक्ति की कुछ करके दिखाना है ये बात है। मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और पतन हो जाता है। चालाकी का, चालाकी से धर्म कभी नहीं अंदर खड़ा हो सकता। और मेरे साथ चालाकी, सारी चालाकी आई कहाँ से, मेरे ही पेट से आई है। उससे चालाकी करते मेरे सामने बड़े साधु महात्मा बन के बैठते हैं, उस चालाकी को त्याग। ये जो कुछ वाइब्रेशंस है, ये तुम्हारे अंदर का थोड़ा बहुत जो भोलापन है वही बह रहा है। ये जो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर भोलापन आया है तुम्हारी माँ से, वही बह रहा है भोलेपन में। भोले आदमी को कोई ठग नहीं सकता, ये सत्य। और ठगेगा तो भी ऐसा नाटक बनेगा कि ठगने वाला ही ठग जाएगा। रावण के चक्कर में अगर सीता जी फंस गई थी, उनके भोलेपन का एक दर्शन है। लेकिन मजाल नहीं कि उनका वो हाथ पकड़ सके या उनसे कोई बदतमीजी कर सके। भोलेपन की तेजस्विता कहाँ और रावण की चालाकी कहाँ। एक साधारण स्त्री अबला, उसके ऊपर किसी भी तरह का वो हमला नहीं कर सकता। और जब तक सीता जी को अपने सर पे उठा रखा, उसे अपनी साक्षात माँ याद आती थी। उसका सारा बड़प्पन एक छोटे बच्चों जैसा होगा। सती अनुसूया की कहानी आपने सुनी है ना, ऐसा ही श्री रावण जी का हाल था। इसलिए अपने भोलेपन को न त्यागे, अपने भोलेपन में सादगी में सहज योग में उतरिए।
वही आपको अत्यंत कर्तृत्व शक्ति देगा। आप ही लोग स्टेज पर हैं, कोई और आता ही नहीं, और कोई आ जाए मेरा बेटा तो मैं आपको दिखा दूं करिश्मे, लेकिन कोई आता ही नहीं, कहता इन्हीं को चलने दो, क्योंकि आजकल सोशलिस्टिक पैटर्न चला है ना, सामान्य जनता से ही असामान्य काम करना है, सामान्य लोगों से ही असामान्य करके दिखाना है, इसीलिए ऐसे कोई आते नहीं, और आते तो जंगल में जाके बैठते हैं। आप लोग स्टेज पर आए हैं, बैकग्राउंड में सब लोग बैठे हैं गण आदि, इसका आपको पता भी लगेगा, लेकिन याद रखना कि एक एक आपकी एक्शन, एक एक आपकी बात जो आप उसे छुपाएं और गड़बड़ियां करें, सब चीज उनके पास लिखी जा रही है, और वो ऐसा आपको टांग अड़ाकर गिराएंगे कि फिर कहिएगा मुंह के बल आकर कि माँ ये क्या हुआ, हम तो तुम्हारी ही सेवा करते, उनसे आप पार नहीं आ सकते। इसलिए मैं बार बार आपसे बता रही हूं कि बच के रहना, सहज योग में बहुत ही भोलापन चाहिए, और जो आप में भोला होगा उसके साथ सारे की सारे सेवा में खड़े, उसके चरणों में पड़ने के लिए तैयार है, किसी भी चालाकी में घुसने का प्रयत्न न करें। फिर आप बचे हुए हैं, फिर आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर आप मेरे कवच में हैं, चालाकी से बचे। आज के शुभ मुहूर्त पर आपसे बार बार एक ही कहना है कि कोई क्षण अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि हम इस किनारे से उस किनारे चल ही जाते, भवसागर तर ही जाते हैं, लेकिन भवसागर की थपेड़े खाने के बाद जब किनारे पे पहुंच गए तो नए उम्मीद से उठने की बहुत जरूरत है, नहीं तो भवसागर पार करने का भी कुछ फायदा ही नहीं रहा। आप लोगों को जो भी अनुभव साक्षात्कार के आए, वो किनारे पर जब बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, तब मेरी समझ नहीं आता कि अब इनको कौन सा इंजेक्शन दूं कि उठ खड़े हो जाओ। हर एक को आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो लोग पार हैं, कि हमारे हाथों से बहुतों के हृदय में दीप जले, और जो आनंद हमने उठाया है वही हम सबको बांटें। इसकी प्रतिज्ञा आप सबको करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए क्या प्रयत्नशील हैं, इतने शिष्य तो कभी भी किसी भी गुरु से नहीं होंगे जितने मेरे बच्चे हैं, और शिष्य से भी कहीं अधिक बच्चे अपने होते हैं, लेकिन कलयुग का मामला और माँ का हिसाब किताब जोड़ लें, इसे बहुत बचने की जरूरत, माँ की स्थापना कलयुग में बड़ी मुश्किल से होती है, अगर हो जाए तो ऐसा आदमी परम शक्तिशाली हो सकता है। दूसरों से लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें, आपस में लड़ाई झगड़ा लगाने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें, दूसरों की ओर देख करके अपनी शक्ति नष्ट करें, लेकिन अपने से लड़िए, खुद से लड़िए, अपनी ओर देखें, अपनी ओर नजर करें, और अपने से पूछो कि क्यों मैं इतना निर्बल हो रहा हूँ, क्या बात है, क्यों आखिर, क्या कौन सी ऐसी बात है जो हमने आपको दी नहीं, कौन सी ऐसी बात है जो हमने आपको समझाई नहीं। आपने कहा हमें शरीर ठीक दो, भाई शरीर ठीक दे दिया, किसी ने कहा हमारे बाल सफेद कर दो, उनके बाल सफेद कर दिए, किसी ने कहा हमारे काले कर दो, उसके बाल काले कर दिए, किसी ने कहा बेटा दे दो, उनको बेटा दे दिया, किसी ने कुछ मांगा वो दे दिया, किसी ने कहा माँ इसका सारा ज्ञान बताओ, सारा गोप से गोपनीय ज्ञान बनाने के बैठे, किसी ने कहा माँ हमें ये चीज दे दो वो चीज, सब देने के बाद भी कर ऐसा ही निठल्लापन है, तो फिर क्या किया जाए भाई, देकर हम लेने वाले तो नहीं है, लेकिन आपको और कुछ अगर पाना ही है
उठना होगा, बगैर उठे काम नहीं होगा। आज के दिन जरूर सबको अपने मन ही मन प्रतिज्ञा करनी है। छोटी छोटी चीजों में मैं देखती हूँ कि मनुष्य घबरा जाता है। जैसे एक साहब को मैंने कहा यहाँ बैठी, दूसरे से कहा वहां बैठी, फिसल गए। एक को मैंने चिट्ठी लिखी, दूसरे को नहीं लिखी, फिसल गए। कोई साहब के उनको मंत्र गाने को कहा, दूसरे को इसको कहा, इस पर फिसल। ये क्या आपको, क्या मैंने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं दिया? क्या आपको मैंने परम तत्व की बातें नहीं बताई? उसमें मैंने कभी कंजूसी किया है क्या? ये जगह की बैठा बैठी और ये मूर्खता की बातें, इसके लिए लड़ने वाले लोग क्या पाएंगे? कोई आदमी यहां बैठे, कोई आदमी वहां बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, मां के हृदय में बैठना चाहिए। या अपनी कुर्सियां लेकर के एक भी आदमी मर जाए तो मैं मान लू कि उस भी कुर्सी का कोई अर्थ होता है। सबकी कुर्सियां भी यहीं छूट जाती है और बैठक भी छूट जाती है। आध्यात्म की बैठक दिखाइए, जो गहराई में उतरता है वो फैट कर बैठता है। दूसरों से आपसे कोई मतलब नहीं है। अंदर ही अंदर आप मुझे जान सकते हैं, अंदर ही अंदर आप मुझे पा सकते हैं, लेकिन अपने ही अंदर अंदर घुसना होगा, दूसरों के ऊपर या दूसरों के और जिनकी दृष्टि है उनसे। मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेरे आगे मतलब नहीं। मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन आदि कुछ चीज का मतलब नहीं। जो आपके शरीर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसको क्या आप संभाले हुए हैं? आपका हृदय जो टाइम से धक-धक कर रहा है, आपके श्वास जो बराबर चल रहे, पेट के अंदर जो आपके पूरा खाना पचन हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या आप संभाले हुए हैं? उसको कौन संभाल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को? उसके अंदर का परम तत्व, और वही परम तत्व आपके ऑर्गेनाइजेशन और सब आपके एकत्रित भावनाओं को संभालने वाला और इस महान कार्य को उठाने वाला। लेकिन ये बीच में अलंगेबाजी लगाने की हमारी वृत्ति, जिसे कि लोग भारतीय वृत्ति कहते हैं, शर्म आना चाहिए हमको भी जिस भारतवर्ष में ऐसे महान महान लोगों का वास हुआ, उनके चरण की धूलि पर पड़े हुए। उस भूमि में इतने निष्कृष्ट जाति के लोग पैदा हुए हैं, समझ में नहीं आता है कि कलिजुग क्या सारा यही अवतरित होने वाला है। जब भी आपका मन कोई जलसी से भर जाए, अपने साथ घृणा करें, छी। आज भी इतने शुभ दिन में भी मैंने ऐसी बात देखी, मुझे बड़ा ही दुख होता। आज कितना मंगल का समय, कितना आनंद का समय है, और कितनी बहार आनी चाहिए थी। जैसे कि संसार में एक नया ही वातावरण और हवा फैली, उसके जगह देखती क्या हूँ कि जलसी की बात है। यही दुश्मन है हमारे, याद रखिए। हमारे महत कार्य में, हमारे परम कार्य में परम तत्व जीना चाहता है, पनपना चाहता है, फूटना चाहता है सारे संसार के सुख और आनंद और शांति की। आप लोग जरा संभल के रहें और उसको पाल। सहज रोग का जो एक छोटा सा दोष है, उसे समझ लें कि आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से मानी जाएगी, आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से मानी जाएगी और उसका पूरा आदर होगा। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग आप अपने को परतंत्र करने में मत लगाइए। अपनी स्वतंत्रता की इज्जत करें और अपनी स्वतंत्रता को जानें। बाजी हमारी होगी। आज कुछ लोग नए हैं यहाँ पर, बहुत से लोग पुराने भी हैं जो पा चुके हैं, जिनके पास में वाइब्रेशंस हैं। आपके वाइब्रेशंस मुझे खींचते हैं। आप में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसका कुछ अंदर ईगो कम आता है। उसके अंदर प्रसाद कम आते हैं। बहुत वाइब्रेशंस हैं, मुझे खींच लाए लंदन से। मैं भागी चली आई उसी वाइब्रेशंस की वजह से।
ऐसा लगा कि एक सहस्त्र दलों का कमल खिल रहा है बंबई में। कमल अपनी जगह खिल रहा है लेकिन पंखुड़ियां अभी तक निर्जीव नजर आती। उसे में जीवन हो, अपने जीवन को वो जाने, वो सुगंधित हो और हर एक पंखुड़ी में से सुगंध सारे संसार को व्याप्त कर ले। उसी दिन स्वर्ग और परमात्मा सभी एकाकार आपको यहां नजर आ जाएंगे। अब सब लोग मेरी ओर हाथ करें और जो लोग रियलाइज हो करके भी छोड़ दीजिए, खेलने दीजिए बच्चे को मत। जो लोग रियलाइज होकर के भी थोड़े बहुत जलबल रहे हैं वो लोग हाथ को झटके या हिल रहे हैं वो झटके, वो दो मिनट में बात खत्म हो जाएगी। वो बात दो